नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट में हम जानेंगे क्यों खबरों में है निशिमुरा धूमकेतु। साथियों, खगोलविदों के अनुसार निशिमुरा धूमकेतु 12 सितंबर को सुबह के समय पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसे बिना किसी उपकरण जैसे कि दूरबीन आदि के बिना ही नग्न आंखों से देखा जा सकता है। खगोलविदों के अनुसार यह जीवन में एक बार होने वाले अनुभवों में से एक होगा। आपको बता दें कि निशिमुरा धूमकेतु की खोज 12 अगस्त 2023 को जापानी खगोल फोटोग्राफर हिदेओ निशिमुरा द्वारा लंबी एक्सपोजर तस्वीरें खींचते समय की गई थी। यह धूमकेतु 3,86,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से यात्रा कर रहा है। दोस्तों, इवनिंग स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार निशिमुरा धूमकेतु का पृथ्वी के करीब से गुजरना एक असाधारण प्राकृतिक घटना है। 12 सितंबर को धूमकेतु पृथ्वी से केवल 78 मिलियन मील दूर होगा। उस दिन इसे बिना किसी उपकरण की सहायता के देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके आकार का अनुमान लगा रहे हैं। उनके अनुसार यह धूमकेतु व्यास में कुछ 100 मीटर से लेकर 2 मील तक हो सकता है। निशिमुरा धूमकेतु 17 सितंबर को सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा। एक अनुमान के अनुसार इसकी स्थिति सूर्य से केवल 27 मिलियन मील की दूरी पर होगी। साथियों, खगोलविदों ने बताया कि धूमकेतु प्रत्येक दिसंबर में होने वाली वार्षिक उल्कापात, जिसे सिग्मा हाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है, से जुड़ा हो सकता है। खगोलविदों के अनुसार निशिमुरा धूमकेतु की कक्षा लगभग 500 साल की है। इसकी तुलना में हैली धूमकेतु हर 76 साल में हमारे सौर मंडल की परिक्रमा करता है। दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि धूमकेतु लगभग 5 अरब साल पहले सौर मंडल के प्रारंभिक गठन के समय के बर्फ और चट्टानों के अवशेष हैं। जब ये धूमकेतु सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो धूल और चट्टान के छोटे छोटे कण भी छोड़ते हैं, जिससे उल्कापात होता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।